हक है हमारा आजादी लेंगे आजादी। परिचय मार्टिन मैकवान, इस यात्रा का पूरा संचालन मैं कर रहा हूँ। सर, रात को हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पे आपको पुलिस हरियाणा ने रोका था, आगे उसके बाद मीटिंग हुई है, मीटिंग के बाद क्या कार्रवाई है आपकी? नहीं, हमने तय किया है, मीटिंग में भी तय किया है कि हमने जो कार्यक्रम तय किया था यात्रा शुरू होने से पहले उसी पर हम डटे रहेंगे। हमने बोला था जहां भी आप हमें रोकेंगे हम वहां 24 घंटे बैठ जाएंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर सरकार के प्रतिनिधि अगर आके प्यार से लोगों ने जो चंदा दिया है 20 लाख रूपये और इस सिक्का स्वीकार नहीं करेंगे तो हम वापिस जाएंगे। तो आज शाम को 8 बजे हमारे 24 घंटे खत्म होंगे परब, तो ये हमारा रणनीति है। हाँ, घर जाके आगे जाके क्या कार्यक्रम करेंगे वो हम सोचेंगे अभी। क्यों सर जाना चाहते हैं आप दिल्ली, क्यों भेंट करना चाहते हैं ये पसंद है सर? हम ये भेंट करना चाहते थे कि हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं अमृत महोत्सव, बराबर। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम आजाद हो गए, तो जो लोग अंग्रेज की गुलामी में थे वो तो हम भी थे, खुश हो गए। लेकिन कई सारा भारत की प्रजा है उसके लिए दोहरी गुलामी थी, एक अंग्रेज और दूसरा जाति का। अब जाति का गुलामी जा नहीं रहा है, तो हमने ये सवाल सिक्के के माध्यम से उठाया कि छुआछूत कब खत्म होने वाला है। ये सीधा साधा सवाल है, पार्लियामेंट को ये मैंडेट सौंपा गया था संविधान के द्वारा कि आपकी फर्ज है भारत को छुआछूत मुक्त राष्ट्र बनाना है आपको, बराबर। तो DIG से बात हुई मेरी, उन्होंने मुझे लेटर दिखाया जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, और वहां बहुत साफ लिखा गया है कि ये लोग जहां है उसको रोका जाए। और कारण ये दिया है कि 15 अगस्त है, हमें बहुत तैयारी करनी है, वहां 144 लगी है, बराबर। हम मानते हैं कि 15 अगस्त तो हर साल आता है, तैयारी हर साल होती है, और ये हजारों लाखों व्हीकल जा रही है, 144 नहीं लग रही है, हमारे तो 10 व्हीकल है, बराबर।
तो ये बट हम मान रहे हैं कि हम मुझे जो लगा ये है कि सरकार इस सिक्के से बहुत डर चुकी है, बहुत डर चुकी है। क्यों लगता है सर, क्यों डरी हुई है सिक्के से? ये तो गौतम बुद्ध का देश है, वैसे प्रधानमंत्री जी वो ऐसे बोल रहे कि पूरे विश्व को हमने गौतम बुद्ध को भेंट दिया, हम बोल रहे हैं तो उसके बाद भारत ने क्यों नहीं मानते हैं? बराबर। अभी अब देखो सरकार ये कहने ये नहीं कह पाएगी, भाजपा सरकार भी नहीं कह पाएगी कि छुआछूत नहीं है। दो महीने पहले कर्नाटक सरकार ने योजना बनाया है छुआछूत निकालने के लिए। वो लड़के के नाम पे विनय नाम है, वो 1.5 साल का बच्चा जो चलते चलते मंडी में घुस गया था, माँ बाप बात कर रहे थे, पूरे गांव ने इकट्ठे होकर उसको 25,000 का जुर्माना किया था मंदिर के शुद्धिकरण के लिए। अब भाजपा सरकार ने उसी के नाम पे छुआछूत निकालने का योजना बनाया। तमिलनाडु स्टेट ने पहली बार आरटीआई ने 525 गांव की यादी पब्लिक किया है, जाहिर किया है कि यहां ज्यादा छुआछूत है। तो अभी सभी पार्टी की सरकारें बोल रही है कि छुआछूत है। कितने लोग आए हैं सर आप यात्रा में? 350 लोग आए हैं।